अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मछली फ्राई। इसके लिए हमने 1 किलो फिश लिया है। इस तरह से हमने इसे साफ धो के इसमें विनेगर और नींबू का रस डाल के हमने इसे धो के अच्छे से छन्नी में पानी इसका पूरा अच्छे से निथरने दिया। तो चलिए अभी हमें फिश में डालने के लिए जो मसाले लगेंगे, हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, 1.5 टेबल स्पून हमें बेसन लगेगा और 2 टेबल स्पून हमने चावल का आटा लिया है और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और तंदूरी कलर पाव से भी कम चुटकी भर हमने तंदूरी कलर लगेगा। ये ऑप्शन है, आप नहीं भी डालना चाहे तो नहीं डाल सकते। और ये तंदूरी मसाला डाल रहे हैं हम, जो हमने मंदी में भी डाला था वो तंदूरी मसाला लेंगे हम रेडीमेड। ये मार्केट में मिल जाता है तंदूरी मसाला। अगर आपके पास ये ना हो तो आप ये तंदूरी कलर, अगर आपके पास तंदूरी मसाला ना भी हो तो आप इसमें एवरेस्ट का तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टी स्पून हमने नींबू का रस लिया, यानी कि बड़ा नींबू का, आधा नींबू का रस लिया, और 1 टेबल स्पून हमें मीठा तेल लगेगा मिक्स करने के लिए। तो चलिए इसमें हम सब मसाले डाल देंगे। और हमने हरी मिर्ची, कोथमीर, पुदीने को मिक्सर में रफली पीस लिया है, तो ये हम इसमें डाल रहे हैं। इसमें 2 हरी मिर्ची ली थी हमने और 1 टेबल स्पून पुदीना और 1 टेबल स्पून हरा धनिया। ये तीनों को हमने मिक्सर में पीस लिया था, बस मोटा मोटा रफली पिसा था हमने। तो चलिए हम इसमें सब ये मसाले मिक्स कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें ये नींबू का रस जो रखा था वो डाल देंगे। नमक और काली मिर्ची हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। फिर ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे हम। नमक डालेंगे हम 1/2 टीस्पून उतना। पहले हम कम डालेंगे, फिर अगर हमें लगेगा तो बाद में हमें लगेगा तो हम और डालेंगे। अभी हम टेस्ट के हिसाब से आप नमक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। काली मिर्ची डालेंगे हम उसके बाद इसमें हम, और ये तंदूरी मसाला डाल रहे हैं हम, और फिर ये चावल का आटा इसमें से थोड़ा सा हमने बचा दिया है, अगर हमें लगेगा तो हम फिर डालेंगे। बेसन भी डाल दिया हमने, कॉर्नफ्लावर भी डाल देंगे, ज़ीरा पाउडर और ये हरी मिर्ची और कोथमीर भी मिला देंगे। उसके बाद हम इसमें ये तेल डाल देंगे ताकि हमारे मसाले फिश को अच्छी तरह से चिपक जाए। बाद में ये तंदूरी कलर भी मिक्स कर दिया हमने। तो चलिए ये सब मसाले हम फिश पे अच्छे से लगा लेंगे इस तरह से। हमने ये मसाला इससे इस पर अच्छे से लगा दिया है। हमने जो बचा के चावल का आटा रखा था वो भी पूरा डाल दिया इसमें। हमें नमक कम लगा, हम इसमें और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून उतना नमक डालेंगे। फिर अच्छे से और मिक्स करके इसे हम इसे फ्रिज में 10 से 15 मिनट रख देंगे ताकि ये मसाला हमारा अच्छे से फिश में अच्छे से चले जाए। इसे हम 10-15 मिनट रखने के बाद इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए इसे हम फ्रिज में 10 मिनट रख देंगे। हमने फिश को 20 से 30 मिनट तक फ्रिज में रखा था। इसको अच्छे से मसाला अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें अच्छे से सेट हो गया मसाला, अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो हमने एक कढ़ाई में तेल डाला है। चलिए इसमें हम एक एक करके पीस फिश को फ्राई कर लेंगे। फिश को हमारी हम 1-2 मिनट तक ही इसे फ्राई होने देंगे।
फिर इसे हम एक टिश्यू पेपर पे निकालें। अच्छे से दोनों तरफ से होने देंगे, इसे 2 से 3 मिनट उतना ही फ्राई होने देंगे इसे। हमने जो चावल का आटा लगाया है इसे चिकन को या कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हो, इसे चावल का आटा लगाने से कोई चिकन फिश या कोई भी चीज़ आप तल रहे हैं तो उससे क्रिस्पी बनती है। तो ये हमारे हमने चावल के आटा लगाने से अच्छी क्रिस्पी हो गई हमारी ये फिश। चलिए अब इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से, इसे अच्छे से निथरने देंगे। देखिए कितने से अच्छा कलर आया है इसका और अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। इसे हम ये टिश्यू पेपर पे हम इस तरह से निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर पे हमने निकाल लिया है। इसी तरह हम एक के बाद एक पूरी फिश तल लेंगे। लीजिए बहनों, हमारी ये फिश तैयार है। इस पे हम लींबू का रस और चाट मसाला, नमक, ये चाट मसाला बुरबुराएंगे और काली मिर्च और नमक टेस्ट के हिसाब से। तो लीजिए बहनों, हमारी ये फ्राई फिश तैयार है। इसे आप घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें और मुझे ज़रूर बताएं कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।